अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमजान आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं किधर? तलहाड़ गांव के बिल्कुल पास। अपनी बीवियों की खिदमत करना सुन्नत है, ठीक है, इसलिए सुन्नत अदा किया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमजान आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं किधर? तलहाड़ गांव के बिल्कुल पास। और हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कौन है? रिजवान मुगल साहब हैं, जो कि फ्रूट गार्डन में बड़े मास्टर हैं और इनकी ड्यूटी फ्रूट पे लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये कौन है? ये हमारे हसन साहब, मियां हसन साहब। बस मैं देखने के लिए आया हूँ कैसा काम करते हैं ये बेसिकली सुपरवाइजर हैं, फ्रूट चार्ट बनाते हैं ये। आगे ये हमारे उस्मान भाई, ये भी हमारे साथ आए हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने भी कहा आपको हम ज्वाइन करें आज। और ये तो आप मुझे तो खैर जानते ही होंगे, कभी व्लॉग में आपने देखा ही होगा, मुदस्सिर कहते हैं मुझे। तो ये साथ हमारे राजे, ये कौन है? राजा इत्फाम साहब। ये हमारे राजे साहब, ग्राए ने राजे, बड़े छतर ने राजे। तो ये आए हैं हमारे साथ, इन्होंने कहा चलो मैं भी आपकी खाने में मदद करवा दूं। तो ये था जी मुदस्सिर की तरफ से इंट्रो। और मुदस्सिर क्योंकि इन सबको जानते हैं तो इसलिए मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा जरा मुदस्सिर की भी पार्टिसिपेशन हो जाए। मास्क लगा के ऐसा लगता है जैसे, हाँ जी, ये रह गए हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे। और इनको देख के स्पेशली हमें कुछ लोगों ने शिफ्ट टाइम निकाल के आए हैं, हमें किसी ने रोक भी दिया था इनको देख के जी। तो लेकिन अब हम आ गए हैं। लेकिन ये है कि मैं ग्राम साहब आज बताता हूँ चलूँ कि हम जब सारे इकट्ठे हैं तो हमारा ये है कि हम SOP के मद्देनजर रखते हुए हमने ये गैदरिंग करनी है। इसका हमने SOP का बहुत ख्याल रखना, सही है, जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है हमारे। बिल्कुल जी बिल्कुल, अब तो कोविड के जो जितने भी हैं क्या SOP वो फॉलो की जा रही है। ये जी हसन भाई, शादी से पहले बहुत खाने दिया करते थे, आजकल ये देखें सारे खानादारी के अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। देखें बहुत तजर्बा हो गया इनका। देखें मेरी बात सुने जी, अपनी बीवियों की खिदमत करना सुन्नत है, ठीक है, इसलिए सुन्नत अदा किया करें। आप भी घर में काम शाम किया करें, ये नहीं कि आप बस दो पराठे खा के और पेट निकाल के टीवी देखें और बेग में तीन बच्चे भी संभालें और किचन भी संभालें। आप तीन पराठे खाएं, उसको हजम करें और बीवियों के साथ काम शाम करवाएं। जी ये शादी से पहले और किस्म के ख्याल आते हैं। और ये अभी ये मैं तो कहता हूँ जी सबसे बड़े राजमरीज इंशाल्लाह ये अल्लाह के फजल से, ये नहीं वो राजा साहब ये बैठे हैं, ये हमें ये रन मुरीद है पक्के। और इन्होंने अभी प्रैक्टिस लेने रिजवान अली मुगल साहब से लेनी शुरू कर दी। इधर उनको इधर कैमरा उस तरफ लगाइएगा। ये जी जी ये रन मुरीद के बहुत अगले लेवल पे है। तो ये बाबू है, खामोश है, स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, ये सर्जन है रन मुरीद के। बाबू ने अपनी लाइटें खत्म करवाई हैं तो आप देख सकते हैं टिंट जिस तरह चमक रही है, ये देखें, यकीन करें। इधर आप माचिस की तीली ऐसे करें जल जाए, जल जाए, ये ऐसी ही चीजें हैं इनके पास। तो हमारे पास ये अभी इफ्तारी में काफी चीजें आ चुकी हैं, पहले हाँ जी निकालें, ये क्या क्या रखा हुआ आप लोगों ने यार? ये दही भल्ले हैं बाबू भाई की तरफ से, ये दही भल्ले कमर भाई लाए हैं जी, ये दही भल्ले पकौड़े, आगे चना चाट वाली, और जनाब ये इमली वाला शरबत,
और शिकंजबीन और ये जनाब बिरयानी और ये फ्रूट फ्रूट चाट तैयार हो रही है। समोसे बंगाली के समोसे वी मिस्ड और ये कूलर 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 हमने स्टैंड बनाया स्पेशल कूलर का। ये कूलर का बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इसके बगैर अफ्तारी अधूरी है जी। कूलर फाइन होता है अफ्तारी का। फिट है, बहुत जबरदस्त, पता चलता है कोई चीज है। चार ग्लास आंदे मुगल सर, ग्लास हो रहे हैं। सही करके ले जी। अब हम निकलने लगे हैं, एसओपीज का पूरा ख्याल रखा हुआ है मुदस्सर, हसन और बाबू। बाबू भाई फुल जोश में और ड्राइविंग कर रहे हैं। अफ्तारी हो गई है, कैसी थी अफ्तारी? जबरदस्त, बहुत मजा आया जी, बहुत मजा आया जी, बहुत मजा आया जी, जबरदस्त। क्या चीज मजे की थी? शगनैन। क्या चीज मजे की थी? सब चीजें मजे की थी जी, हर चीज मजे की थी जी। इन्होंने हर एक चीज को साथ कर दिया, साथ ही साथ जो नमाज पढ़ी उसका भी एक अपना लुत्फ। वाह, नमाज की फुटेज हम रिकॉर्ड नहीं कर सके जी, लेकिन नमाज का अपना ही मजा था वाकई में। और इस जंगल में जो ठंड लग रही है ना हमें जी, मौसम ठंडा है माशाल्लाह, मौसम बहुत मजे का जी। मेरे सर पे बाल नहीं है, मुझे तो बहुत ठंड महसूस हुई है। हाँ जी, इनको इनके बाल खत्म हो गए हैं। बाबू के बाल शादी से पहले थे, शादी के बाद गिर गए गिर गए।